हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिव्यू ऑफ इन्फिनिटी फ्यूज़ 100 ब्लूटूथ स्पीकर। यह एक ब्लूटूथ स्पीकर है, इन्फिनिटी की तरफ से आता है और आप इसका बॉक्स देख सकते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रही हमारी अनबॉक्सिंग, क्विक अनबॉक्सिंग हो चुकी है हमारी। तो आप देख सकते हैं ये स्पीकर है, ये रेड कलर का स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर, और काफ़ी ही क्वालिटी वाला मटेरियल लगा हुआ है इसके ऊपर। और साथ ही साथ इसमें IPX7 की भी रेटिंग दी गई है, जो कि आपको एक इसे वाटरप्रूफ स्पीकर बनाती है। देखिए जैसे इसमें बुकलेट दी गई है, बुकलेट में सारी चीज़ें दिखी हुई हैं। मैं आपको एक एक चीज़ करके इसके बारे में बताता हूँ, फिर उसका साउंड टेस्ट भी करवाऊँगा, इसका साउंड क्वालिटी कैसी है। तो ये है, इसमें वारंटी कार्ड भी यही है, और ये इन्फिनिटी, JBL, AKG, रिवील, हारमन, कार्डन और बहुत सारे जितने भी बहुत सारे ब्रांड्स सब ने मिल के इसको बनाया है। उनकी पूरी फैमिली है, लेजेंडरी ब्रांड्स के जैसे लिखा हुआ है। और बाकी इसमें स्पीकर के ऊपर जो भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ये बटन है, ये हमारा पॉज प्ले का बटन है, ये प्लस माइनस का बटन है, ठीक है। और इसमें डुअल इक्वलाइजर मोड भी आता है, जिससे कि आप इसे इक्वलाइजर को चेंज कर सकते हैं, बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों बटन को एक साथ दबाएंगे तो आपका इक्वलाइजर बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए, जैसे आप देख सकते हैं इसमें बटन्स हैं, केबल्स दी गई हैं, केबल्स के साथ इसमें कोई गाइड है और एक इसमें ये स्ट्रैप है। और बाकी इसमें जैसे कि है एक केबल है, तो केबल का आप यूज़ कर सकते हैं इसको चार्ज करने के लिए। 5 वोल्ट 0.5 एम्पियर के करंट से चार्ज होगा। देखिए कई लोग ये इसमें ये कर देते हैं एक मिस्टेक, कि जब इसे आप चार्ज करेंगे तो चार्ज इसे हाई करंट या हाई वोल्टेज वाले अडेप्टर से नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो मार्केट में अडेप्टर आते हैं जो हम मोबाइल में यूज़ करते हैं वो बहुत ही हाई वोल्टेज और करंट के होते हैं, हाई एम्पियर के। तो उनका यूज़ नहीं करना है, इसमें 0.5 एम्पियर के अडेप्टर्स का ही इस्तेमाल करना है। ओके, जब इसको आप चार्ज करेंगे, इसमें एक देखिए यहाँ पे ये रबर का एक सॉकेट दिया गया है, यहाँ पे इसका है USB माइक्रो USB का पोर्ट, और एक है हमारा 3.5 mm जैक, इसको कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लूटूथ नहीं हो आपके डिवाइस में या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो कनेक्शंस की यहाँ बात हो गई। अब इसके अलावा इसमें ये पावर ऑन का फंक्शन दिया गया है, इस बटन से आप पावर ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे ऑन करेंगे तो इसमें एक लाइट ब्लिंक हो जाती है, उसके बाद टर्न ऑन ऑफ का बटन भी यही है। और बाकी इसमें EQ स्विचिंग, इक्वलाइजर स्विचिंग में बताया था कि इसका आप दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे बटन्स को तो ये बेस मोड में चला जाएगा, और फिर दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो नॉर्मल मोड में चला जाएगा। और बाकी इसमें ये चीज़ें दी गई हैं, और सबसे इसकी बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगी कि अगर आप इस तरह के दो स्पीकर्स को ले लेते हैं तो ये डुअल कनेक्टिविटी को क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर आपको दो स्पीकर्स हैं, अगर आप उनको डुअल कनेक्टिविटी करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक और फ्यूज़ 100 ले लिया, उसके बाद आप दोनों को साथ में कनेक्ट करके साथ में दो स्पीकर्स एक साथ, दोनों एक जैसे स्पीकर्स साथ में बजेंगे, मतलब आपको स्टीरियो इफेक्ट देंगे। ये है वैसे मोनो स्पीकर है, इसमें स्टीरियो इफेक्ट तभी मिलेगा आपको जब आप इसके साथ एक और स्पीकर लेकर कनेक्ट करेंगे, तो इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बाकी इसकी चार्जिंग का तो मैंने बता दिया, और बाकी इसमें LED बिहेवियर जो है वो आपको पीछे इसमें मेंशन है, और कितनी पावर कंजप्शन और क्या क्या है ये सब इसमें मेंशन है। बस मेन मुद्दा मेरा यही है कि आपको ये समझ में आए कि इसको ख़राब नहीं करना है। तो ख़राब कैसे नहीं करना है, अगर आप इसको ज़्यादा पावर देंगे, देखिए 5 वोल्ट 0.5 एम्पियर से ज़्यादा की आप इसको पावर देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ओके, उसमें ख़राब होने के चांसेस हैं बैटरी के, तो इसको ख़राब नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा चलाना है आप इसको कम एम्पियर वाले चार्जर से ही चार्ज करें जो इसमें रिकमेंडेड है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है। तो गाइस यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसे, तो अब ये पावर ऑन हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्लिंक, जब वाइट लाइट ब्लिंक करता है इसका मतलब इसकी बैटरी, इसके अंदर बैटरी है, पावर है। और अगर ये रेड तरह का ब्लिंक करता है मतलब कि इसकी पावर लो है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, नहीं अभी आया नहीं है, मैं एक बार फिर से इसको सर्च करता हूँ। बहुत ही क्यूट सा दिखता है, देखिए आप हाथ में एकदम ग्रैब हो जाता है आसानी से, और ये वाटरप्रूफ भी है। कनेक्टेड, तो देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं कुछ NCS सॉन्ग्स प्ले करता हूँ। अभी मैंने इसकी वॉल्यूम 50-60% रख दी है, और बाकी थोड़ी वॉल्यूम इसमें भी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने 50% वॉल्यूम पर रखी है, लेकिन अभी इतनी तेज़ आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि इसकी थोड़ी वॉल्यूम क्या होता है, कुछ सिस्टम वॉल्यूम भी इसमें डिपेंड करती है।
तो हम यहाँ से वॉल्यूम इसको फुल कर देते हैं। यहाँ से वॉल्यूम फुल हो चुकी है, अब हम मोबाइल से वॉल्यूम फुल करने की कोशिश करें। अभी स्पीकर की वॉल्यूम अपनी तरफ से फुल हो चुकी है पूरी, स्पीकर की अलग वॉल्यूम चल रही है और इसमें जो है इसकी वॉल्यूम अलग चल रही है। तो यहाँ पे हम 50% पे इसको करने की कोशिश करेंगे कि 50% पे ये प्ले हो। मैंने माइक थोड़ा दूर रख के रखा है ताकि आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे। जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ कि इसकी आवाज़ बहुत ही काफ़ी क्लियर है और बेस भी ठीक ठाक ही है, लेकिन जो वोकल्स हैं वो काफ़ी ही क्लियर मिलेंगे आपको इसमें। ऑब्वियसली हार्मन गार्डन के इसमें यूज़ किया गया है स्पीकर्स का, और JBL का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि JBL की डॉटर कंपनी के नाम से जानी जाती है। तो अभी हमने इसको 50% पे चलाया, 50% पे आपने थोड़ा सुना होगा, इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको 100% पे अप करके आपको दिखाता हूँ। इसकी भी 100% वॉल्यूम है और हमारे स्पीकर की भी वॉल्यूम अब 100% है, दोनों की 100% वॉल्यूम से देखिए कैसे रिजल्ट्स निकलते हैं। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो जैसा कि आपने देखा इसकी 100% वॉल्यूम पर बहुत ही अच्छी साउंड आती है। 100% पे होने के बावजूद भी कोई क्रैकलिंग मुझे तो सुनाई नहीं दी, शायद आपको नहीं सुनाई दे माइक में, लेकिन मुझे, मैं आपको सुन के बता सकता हूँ कि इसमें कोई भी क्रैकलिंग वगैरह की साउंड नहीं मिलेगी आपको। अब देखिए, अब मैं इसका टेस्ट करता हूँ किसी और सॉन्ग के साथ, और मैं अब इसका इक्वलाइज़र चेंज करने वाला हूँ। अब ये नॉर्मल मोड में था, अभी इसको मैं बेस मोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इन दोनों को क्लिक किया तो इसमें डीप बेस का इसमें आवाज़ आ गई इसमें से कि हाँ ये डीप बेस मोड में जा चुका है, मोड कन्वर्ट हो चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये 360 डिग्री की आवाज़ इसमें नहीं आती है, इसमें से जो फ्रंट हिस्सा है इसी इसी तरफ से आवाज़ आती है और पीछे इसका रेडिएटर लगा है जिससे कि बेस की थंपिंग होती है। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं। इसकी जो वॉल्यूम है वो 70% पे करने वाला हूँ। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका अगर रूम में रखा हुआ है अगर स्पीकर, आप 70% पे इसको प्ले करेंगे तो इसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है। और बैटरी बैकअप का मैं बताया आपको भूल गया, बैटरी बैकअप इसका 9 आवर्स का है। अब हम थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाने वाले हैं। बस मुझे इसमें एक ड्रॉबैक लगा कि जैसे कि अगर आप बेस मोड ऑन कर देते हैं तो इसमें थंपिंग बेस की ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इससे वोकल सप्रेस हो जाते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता वोकल सप्रेस हो।
इन्फिनिटी फ्यूज़ 100 का मैं एक और ड्रॉबैक बताना चाहूँगा, वो है इसका माइक। इसके अंदर माइक तो है, लेकिन आपको एकदम पूरा फेस पे लगा के इसको माइक में बोलना पड़ेगा, तभी सामने वाले को आपकी आवाज़ सुनाई देगी, नहीं तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। मतलब सुनाई ही नहीं देगी तो क्लियर कहाँ से आएगी, क्योंकि बस इसका माइक की मुझे दिक्कत लगी कि हाँ माइक इसका अगर अच्छा होता थोड़ा भी तो कॉलिंग वगैरह के लिए काफ़ी बेटर होता। वैसे ज़्यादातर लोग ईयरफोन्स का यूज़ करते हैं आजकल और स्पीकर्स का यूज़ नहीं करते, फिर भी मुझे एक ड्रॉबैक लगा तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो अगर आप वोकल्स को एकदम क्लियर सुनना चाहते हैं तो आपको ये इक्वलाइजर मोड ऑन नहीं करना चाहिए, उसको ऑफ ही रहने दीजिए। और बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी लगी। अगर आप 70% पे इसको सुनते हैं तो आपकी ये बैटरी कम से कम 6 से 7 घंटे तो आराम से चल सकती है। मैं रियल टाइम आपका बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 9 आवर्स, 9 आवर्स तो नहीं देती है, लेकिन हाँ 70% पे अगर आप सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप फुल में सुनते हैं तो आपकी 4 to 5 आवर्स आपकी बैटरी कंज्यूम होगी। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू, और आपका रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ भी इसमें पूछना हो, इसके बारे में कोई भी आपको जानकारी लेना, कोई भी आपको क्वेश्चनिंग हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।